नीचे है, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। कोई भी स्थान है, वहाँ का अगर शांत वायुमंडल है, शक्तिशाली वायुमंडल है, वो भी आपको आकर्षित करता है। वहाँ जाते ही मन शांत हो जाए। इसलिए मंदिर गुरुद्वारे बनाए थे, अब तो वो भी राजनीति के अड्डे बन गए। वहाँ बैठ के भी यही बातें होती हैं। अब तो वहाँ पे भी जो तपस्या होनी चाहिए, एक रूटीन है, उसको फॉलो करते हैं। कोई गुरु मंत्र ले लेते हैं, उस गुरु मंत्र को पढ़ते रहते हैं, उससे क्या होगा? जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक कल्याण नहीं है। अगर एक विद्यार्थी को आप एक मंत्र दे दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते रहना, तुम पेपर में पास हो जाओगे। हो जाएगा पास बिना पढ़े। तो ज्ञान लेना भी जरूरी है, समझ होना भी जरूरी है। और गुरु का मतलब ही होता है जिसके पास ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं तो गुरु का है क्या? तो बाबा कहते हैं स्थान का शक्तिशाली वायुमंडल, शांत वायुमंडल भी आकर्षित करता है। और ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता का, पवित्रता के जीवन का प्रभाव पड़ता है। उनकी कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, पहली चीज ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है। कई लोग कहेंगे वहाँ जाना अच्छा लगता है, पर हम धारणा पे नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा इसलिए वो दूसरा नंबर है। जो यथार्थ निश्चय वाले हैं वो बलि चढ़ जाते हैं, भगवान के ऊपर बलि चढ़ जाती है। वैसे भी शादी भी करते हैं तो उसको वेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहाँ बलि चढ़ा जाता है। वास्तव में ये भी बलि चढ़ना है, शादी भी एक दूसरे के ऊपर बलि चढ़ना, बलिहार जाना। तो बाबा कहते हैं उस फाउंडेशन के आधार पे चलते रहते हैं। पहला नंबर यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है, तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुहेता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी कभी आश्रम आ जाते हैं। पक्का निश्चय नहीं अंदर के, रोज जाना ही जाना है, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते कभी नहीं भी आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। जो भी यहाँ आएगा पहले परेशान होगा दुनिया की शान से, शान में नहीं रहेगा, परेशान होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा। उस वक्त कहता है बस मेरे मन को शांति दे दो, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई पड़ता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उल्लास से चलते हैं। पहला बाबा कहते हैं ना, पहले क्या होता है फुल अटेंशन, फिर फुल कट जाता है अटेंशन, फिर रह जाता है टेंशन।
तो बाद में फिर टेंशन पे आ जाते हैं पुराने वाली बातें, फिर पुराने संस्कार निकल आते हैं। शुरू में जब ज्ञान में आते हैं ना, ज्ञान का प्रवाह इतना होता है, और दूसरा भगवान ने उंगली पकड़ रखी है, शुरू शुरू में बाबा खूब अनुभव कराता है, ठीक है, तो उसके प्रभाव में संस्कार दब जाते हैं। ऐसा लगता है बड़ी जल्दी हम संपूर्ण हो जाएंगे, यार हम तो हैं ही बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर पुराने संस्कार जाग जाते हैं जब हम इधर उधर देखते हैं। पुराने संस्कार कब जागते हैं? जब हम देखते हैं कि इनको इतने इतने साल हो गए, ये नहीं बदले, और आप तो पहले ही तैयार थे ना बदलने को, बहाना मिल गया, ये नहीं सोचते कि ये नहीं बदले हम आगे निकल सकते। हम शुरू शुरू में आए तो हम यही सोचते थे, है ना, कि अगर ये नहीं बदले हैं हम बदल के दिखाएं तो हम इनसे भी आगे निकल सकते हैं, प्राणों से भी। जैसे बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट, लास्ट में आने वाले फास्ट चले जाते। तो इसमें ये नहीं है, अभी ये इतने साल से चल रहा है। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी एक ही क्लास में 3-4 साल से पढ़ रहा हो, तो क्या होगा, क्या सोचोगे उसके बारे में, नलायक सोचोगे ना, या सोचोगे कि बहुत सीनियर है हमारे से, मनीटर है हमारा, फेलों का मनीटर। तो बाबा कहते हैं, आज पता नहीं क्या हो रहा है, तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है, लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश, उसमें फर्क पड़ जाता है, कम हो जाता है। तो आप अपने दिल में देखो, वैसे का वैसा है जोश या कम हो गया या बढ़ रहा है, मस्ती बढ़ रही है, योग लग रहा है, ज्ञान योग में दिल लगता है, भगवान से दिल लगता है, भगवान से बातचीत होती है, ये चेक करो अपने भीतर कि कैसा चल रहा है मेरा हिसाब किताब। देखो दुनिया में इससे बड़ी घटना नहीं होती कि किसी को भगवान मिल जाए, और वो भी ऐसे नहीं कि थोड़ी देर के लिए, वैसे साक्षात्कार हो गया श्री कृष्ण का, मेरे को तुझे भगवान के दर्शन हुए, लोग उसी को पूजने लगते। यहाँ तो पता नहीं कितनों को कितनी कितनी बारी हुए होंगे वो दर्शन, लेकिन बाबा उसको भी अहमियत नहीं देता। बाबा कहते पढ़ाई, आपने किसी संत को देख लिया तो आप संत बन गए क्या, आपने कृष्ण को देख लिया आप कृष्ण बन गए क्या, किसी को देखने से बन जाएगा क्या, दर्शन से प्रसन्न नहीं होना, बाबा कहते हैं वैसा बनना पड़ेगा और उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। आपने आईएएस को देख लिया, आईएएस बन गए, आईएएस बनने की सारी यात्रा करनी पड़ेगी। डॉक्टर को देख लिया, डॉक्टर बन गए, देखने से क्या होगा, दर्शन से प्रसन्न नहीं होना, वैसा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं इस सीजन में नए नए बच्चे बहुत आए, चांस मिला है, ये तो बहुत अच्छा, बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है, ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं।